लखीमपुर खीरी में एसआईटी की टीम वारदात वाली जगह पर आशीष मिश्र, अंकित दास और ड्राइवर को लेकर पहुंची है। आपको बता दें कि 3 तारीख को यहां पर ये देखिए तस्वीरें आपको हम कुछ समय पहले की दिखा रहे हैं, जहां पर एसआईटी की पूरी टीम इन 3 लोगों को लेकर पहुंची है। अंकित दास, आशीष मिश्र जिस पर पूरा आरोप है इस पूरी घटना को अंजाम देने का, और साथ ही साथ ड्राइवर भी यहां पर पहुंचा हुआ है, और पूरे इलाके को घेर करके अब सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। यानी कि 3 तारीख को जो घटना हुई थी, किस तरह से वो घटना हुई, किस तरह से वो थार गाड़ी यहां पर आई और किसानों को कुचलती हुई यहां से चली गई, उन तमाम चीजों को, और उस गाड़ी के पीछे फॉर्च्यूनर में अंकित दास सवार था, उस अंकित दास को भी यहां पर लाया गया है। अंकित दास से भी सवाल जवाब होंगे और उस ड्राइवर से भी सवाल जवाब होंगे जो उस गाड़ी को चला रहा था। ये दूसरी तस्वीर आपको हम 3 तारीख के दिखा रहे हैं, जब ये घटना घटी थी जिसमें 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। इस पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी की टीम इन आरोपियों को लेकर के पहुंची है, अंकित दास, आशीष मिश्र और ड्राइवर। लगभग आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और इस वक्त हो रहे हैं 1:45। आप तस्वीरें पीछे देखेंगे अगर, फॉरेंसिक टीम इस वक्त आ चुकी है लखनऊ की और लगातार जांच कर रही है। एक व्हाइट चौक से सड़क पर निशान बनाए गए हैं, ये एक दर्शाने के लिए कोशिश है कि थार गाड़ी किस स्पीड से कहां पर आई और कहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहां पर टक्कर हुई थार गाड़ी से जहां पर किसानों को रौंदा गया। और वहीं पर व्हाइट जो है एक मार्क बनाया गया पूरी सड़क पर, जिससे एस्टैब्लिश किया जा सके कि हाँ यही वो स्पॉट था जहां पर थार गाड़ी आई थी और उसी स्पॉट पर थार गाड़ी ने उन किसानों को कुचला था, उन लोगों को कुचला था। और फॉरेंसिक टीम फिलहाल जांच करे, आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, अभी तक अंकित दास, ड्राइवर शेखर और गनर लतीफ से पूछताछ हो चुकी है, और अभी कुछ ही देर में आशीष मिश्रा को भी गाड़ी से निकाल कर आगे लाया जाएगा और पूछताछ करी जाएगी। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, जानना चाहेंगे कि क्या इस वक्त, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बताएं कि क्या सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी सीन रिक्रिएशन का प्रोसेस चल रहा है। मैं मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पर, जहां पर सीन रिक्रिएट टिकोनिया में हो रहा है, वही स्पॉट जहां पर 8 जाने गई थी 3 अक्टूबर के दिन। तस्वीरें मैं दिखाऊं पीछे आपको, तो यही वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं यहाँ टेप लगा है, पूरा क्राइम सीन कवर कर दिया गया है, यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं है, RAF के जवान यहाँ ऑलरेडी मुस्तैद है और गाड़ियां लगी थी अभी बस थोड़ी देर पहले, गाड़ियां थोड़ी सी आगे शिफ्ट करी गई है, यानी कि ये स्पॉट का, इस स्पॉट का क्राइम रिक्रिएशन हो चुका है। यहां पर व्हाइट चौक से निशान भी बनाया गया, यानी कि जहां पर थार ने किसानों को रौंदा था उस स्पॉट को एक तरह से मार्क किया गया एस्टैब्लिश करने के लिए क्राइम सीन को, और गाड़ियों को और आगे फॉरवर्ड किया गया, यानी कि गाड़ियां जब यहां से निकली, ये वही रोड जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से जब गाड़ियां निकली तो किसानों को रौंदते हुए निकली और एक गाड़ी यहां पर गिरी थार। और जो तस्वीर अगर आप देख पाए मेरे पीछे, तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, अगर ये आप अभी भी निशान यहां पर मौजूद है उस गाड़ी के गिरने के, उस गाड़ी के गिरने के, और आगे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो और आगे इस वक्त आपको आप गाड़ियां देख सकते हैं, पुलिस फोर्स देख सकते हैं, SIT की टीम लखनऊ से आई, फॉरेंसिक की टीम जो लगातार जांच कर रही है, पूरा रोड कवर किया जा रहा है, यानी कि जब इस डायरेक्शन से गाड़ी निकली होगी तब इस डायरेक्शन से गाड़ी किस स्पीड में कहां गई होगी वो उसका पता लगाने की कवायद है, पूरा क्राइम सीन और क्या क्या हुआ। अंकित दास बहुत अहम किरदार, अंकित दास फॉर्च्यूनर में मौजूद थे, अंकित दास से पूछताछ यहां पर हो चुकी है, इसके अलावा ड्राइवर से हो चुकी है, गनर लतीफ से हो चुकी है और आशीष से अभी होनी बाकी है। और तस्वीरें मैं पीछे की दिखा रहा हूं आपको, लगातार फॉरेंसिक टीम के भी कुछ लोग आपको दिखेंगे व्हाइट कोट में, इसके अलावा यूपी पुलिस के जवान है और उसी में SIT की पूरी टीम है जिसको लीड कर रहे हैं DIG उपेंद्र कुमार। तो पूरी तरीके से पूरे एरिया को आप देख सकते हैं यहां पर कवर कर दिया गया, वही टिकोनिया है जहां पर, जहां के वायरल वीडियोस आए थे और मैं जहां पर इस वक्त, जिस तरह से पीछे लोग खड़े किए गए हैं, यानी कि वहां पर पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट हो रहा है मेरे पीछे, और ये वही जगह है जहां मैं खड़ा हूं, यहीं पर गाड़ी पलटी थी, यही वो स्पॉट था जहां पर पूरी घटना हुई थी। तो अब देखना है कि इस पूरे रिक्रिएशन से यूपी पुलिस कितने तथ्यों को निकाल पाती है, पर फिलहाल आशीष मिश्रा से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, अंकित दास, ड्राइवर और गनर इन तीनों से हो चुकी, कुल 4 अभियुक्त यहां पर लाए गए हैं यूपी पुलिस के द्वारा। और तस्वीरें मैंने कुछ इस तरह से दिखाई इस पूरे स्पॉट की, वो अभी भी मैं एक बार फिर से कैमरामैन से कहूंगा पीछे तस्वीरें दिखाएं, लोगों को बाकायदा किनारे किनारे खड़ा किया
लग गया जिससे वो पूरा स्टैब्लिश हो सीन। जब वहां पर काले झंडे किसानों द्वारा दिखाए गए तब क्या गाड़ी डिसबैलेंस हुई या गाड़ी ने जानबूझकर कुचला, ये कुछ तथ्य हैं जो पुलिस रिमांड के जो इंटरोगेशन हुई तब भी कहे गए। यानी कि जब अंकित दास से पूछा गया तो अंकित दास ने भी कहा कि उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वो गिल्टी नहीं है। पर सवाल ये है कि आशीष मिश्रा वहां मौजूद थे या नहीं थे। वहां की करीब की एक दुकान जहां से सीडीआर निकाला गया है उसके नमूने भी एसआईटी के पास हैं। कुछ तथ्यों के साथ ही लगातार पुलिस रिमांड ली गई है। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं पीछे की, ये विजुअल्स मैं आपको टिकोनिया की दिखा रहा हूं। ये वही स्पॉट है जहां पर 3 अक्टूबर की दोपहर में वो दर्दनाक घटना हुई। यहीं किनारे जहां झाड़ियां आप देख रहे हैं यहीं पर गाड़ियां पलटी थी और यहीं पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हो या हरिओम ड्राइवर हो यहीं पर मौत के घाट उतारा गया था, जो वीडियो वायरल हुआ था। तो वहीं जिन किसानों की मौत हुई थी वो भी इसी स्पॉट पर, इसी पतली सड़क पर। आप देख सकते हैं कितनी पतली सड़क है, जो सड़क है वो कितनी पतली है। यहाँ से एक अगर गाड़ी निकलती है फोर व्हीलर तो अगल बगल ज्यादा किसी के खड़े होने की जगह नहीं है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है जब किसानों को कुचला गया होगा तो शायद गाड़ी रोकी भी ना गई और सीधे सरपट जो है जैसा वीडियो में दिख रहा है थार भागी थी। इसके अलावा शुभम जायसवाल एक अहम क्रिएचर जो था वो थार से इसी स्पॉट पर जहां पे गाड़ी आप देख रहे हैं यहां पे गिरी है, इसके पीछे का जो स्पॉट है वहां से जो है गिराया गया था और एक पुतला पीछे की तरफ। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, समर्थ आगे आपसे हम जानकारी लेंगे।